नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में हरियाणा गेस्ट टीचर्स नियमितगण से जुड़ी बड़ी खबर देखें तो देखते हैं पूरी जानकारी जैसे कि आप देख सकते खबर आई है नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स ने निकाला मार्च शिक्षा मंत्री ने सीएम से कराई बात यमुनानगर में जुटे प्रदेश भर के अतिथि अध्यापक मांगे नहीं मानने पर बीस ग्राफकी दी चेतावनी यमुनानगर यमुनानगर में शनिवार को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि अध्यापकों ने प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला राजकीय अध्यापक मंच के बैनर तले जगादरी में अगरसेन चौक पर सड़क किनारे दोपहर तक धना दिया बाद में मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री कंरपाल ज्ञापन देने उनके निवास पर पहुंचे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया इसके बाद ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराई गई है वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर सत्रह को मुख्यमंत्री बातचीत नहीं करते तो अठारह को विधानसभा गिराव किया जाएगा शिक्षा मंत्री ने सीएम से मोबाइल का स्वीकृत कर बात की सीएम ने विधानसभा सत्र के दौरान मिलने का समय दिया है इसके बाद अतिथि अध्यापक लौट आए धरने की अध्यक्षता मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री ने की उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों की एक ही मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करें अठारह साल से अतिथि अध्यापक का शोषण किया जा रहा है अध्यापकों का ने कहा कि सरकार ने उनके नियमित शिक्षकों की तरह काम ले रही है लेकिन नियमित की तरह वेतन नहीं दिया जा रहा फरवरी दो में एक्ट बनाकर सेवा सुरक्षा प्रदान की मगर टीचर को नियमित नहीं किया गया तेरह फरवरी दो को दिल्ली जनता पर पूर्व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने एफिडेविट पर लिख कर दिया था कि गेस्ट टीचर को रेगुलर किया जाएगा मगर वो भी पहली कलम आज तक नहीं मिली शिक्षा मंत्री से मिलने वाले ग्यारह सदस्य प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र शास्त्री संत कुमार नीलम नवनीत बाजवा अपार शर्मा भी शामिल रहे तो आप देख सकते हैं अगर से चौक के नदी धरने पर अतिथि ध्यापक बैठे थे और नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर ने निकाला है मार्च और शिक्षा मंत्री ने सीएम से कराई बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सत्रह को मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं करते मुख्यमंत्री तो अठारह को विधानसभा गिराव किया जाएगा तो ये अपडेट थी जो आप सामने शेयर करनी थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में